अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरुसस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी, जो आप लोग अपने इफ्तार में बना सकते हैं और अपने इफ्तार को इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है। सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आलू को कर लेना है बॉईल। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आलू ही यूज़ करूँगी। आलू को मैंने मैश कर लिया है एज़ यू कैन सी। और उसके बाद हम इसके अंदर अपने मसालों को डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला है, हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डाला है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और इसके अलावा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है हाफ टी स्पून। और उसके बाद मैंने चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है गोभी और साथ में शिमला मिर्च और एक प्याज मैंने चॉप वो भी इसके अंदर डाल दी थी। और अब हम क्या करेंगे ना, अब हम करेंगे इन सब को मिक्स करके हम इसको साइड में कर देंगे। और उसके बाद हम बेसन जो है उसको फेंटना स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, रेडी हो गया है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से आपस में घुल मिल जाएं। सो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, मैंने हाफ टी स्पून डाली है, हाफ ही मैंने हल्दी पाउडर और हाफ ही टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, तो 1 पिंच मैंने सोडा डाला है और साथ में हरा धनिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, नॉर्मल था। और अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्रेड पे वो जो आलू का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो लगाना है। लेकिन इससे पहले मैंने एक ब्रेड पे ग्रीन सॉस लगाई है और एक पे केचप। और अब हम यहाँ पे ब्रेड पे आलू का मिक्सचर लगा लेंगे, एक ब्रेड पे लगाएंगे और जो दूसरा वाला जो स्लाइस है वो हम ऐसे ही रखेंगे। और इसको फिर हम कट कर देंगे सैंडविच की शेप में। पहले ये मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, स्पून की हेल्प से ये अच्छे से मैंने लगा लिया था और ये सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, इनको कटिंग कर दिया। अच्छा, इनके कॉर्नर्स मैंने कट नहीं किए क्योंकि वेस्ट हो जाते हैं। और मैंने इसलिए भी कट नहीं किए क्योंकि क्रिस्पी बनते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, सो इसलिए मैं कट नहीं करती इसके कॉर्नर्स को। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जल ना जाए और अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर फ्राई का प्रोसेस जो है वो चल रहा है और मैं इसके साइड्स को चेंज करती जा रही हूँ। और देख सकते हैं आप, इतना प्यारा सा कलर आ गया है और हमारे ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इसको क्रीम सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, साथ में केचप, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी आपको। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबके सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपके रिस्क में बरकत दे, आप सबका नसीब अच्छा करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।